और आज जिस प्रॉपर्टी में हम रुकेंगे बीर में, उस प्रॉपर्टी का नाम है जी द बंकर्स हॉस्टल। मैं सोचा यार होटल्स में हर बारी रुकते हैं ना, इस जगह पे वाइब और फील थोड़ी अलग सी है, यंग वाली है, क्योंकि काफ़ी पैराग्लाइडर्स आते हैं, काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, तो काफ़ी यंग क्राउड यहाँ आना पसंद करता है। तो मैं सोचा इस बार क्यों ना हॉस्टल में रहा जाए, द बंकर्स हॉस्टल में। यहाँ पे तो बंक बेड्स भी है, लेकिन हम रूम लेंगे, ऑफ कोर्स हम फैमिली है, तो चलो चल के चेक इन करते हैं अंदर। कार मैंने पार्क कर दी है और ये है जी द बंकर्स हॉस्टल, इनका कैफे कम रेस्टोरेंट और ये सारा एक्टिविटी एरिया। तो जी द बंकर्स हॉस्टल की लुक एंड फील कुछ इस तरह से है, वहाँ सारे डॉर्मिट्रीज है, बंक बेड्स है। हाँ जी, यहाँ कैफे है, कैफे 420। ये है प्रॉपर बंकर हॉस्टल, नीचे डॉर्मिट्रीज है, ऊपर रूम्स है। वाजराव सिंह मजा आ रहा है। अपा इत्थे स्टे कर रहे हैं, जद मर्जी आके इत्थे तुसी स्विंग लै सकते हो। तीन तीन यार अपा तीनों लै सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है जो डैडा बैठ गए इन्हें फट जाना, टुट जाना है ना। मुझे पता था एक फंकी सी जगह है ना, तो मुझे पता था इस जगह जोरावर को बहुत अच्छी लगेगी। वो तो सोया हुआ था जब हमने इस जगह डिसाइड की, अब जब वो आया उठ के तो देखे एंट्रेंस में उसे ये मिल गया, तो बस इंजॉय कर रहा है, अच्छी जगह है। रात में होर माहौल थोड़ा अच्छा बढ़िया होएगा। आ जाओ शाबाश। ये इनका कैफे कम रेस्टोरेंट है जी, बड़ा ही फंकी सा बनाया हुआ है इन्होंने, वेरी नाइस। सेटिंग बनाई हुई है फंकी तरीके से, यहाँ भी वहाँ भी, वेरी नाइस। हाँ जी, बॉनफायर एरिया। या जोरावर, डिड यू लाइक द प्लेस? अभी चल के करते हैं चेक इन। हाँ जी, तो बंकर हॉस्टल की लुक एंड फील कुछ इस तरह से है, ये इनका रिसेप्शन कम एक्टिविटी एरिया, यहाँ भी काफ़ी सेटिंग है, बुक्स है, रीड करने के लिए गेम्स है जैसे कि चेस और भी सब कुछ। प्रॉपर बैकपैकर्स वाला माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यंग क्राउड आना पसंद करता है ना इसी जगह पर, तो उसी हिसाब से एकदम फंकी सा। ये देखिए हिमाचली पेंटिंग प्रॉपर। अच्छा जी, कितों मिले? ठीक है जी, ऊपर देखो आंटी दे ऊपर, उत्थे भी एक बेड है। ओ देखो रे कितनी फेरी टेल फोटो है। यस, उसने तो अपना सामान आपको खुद उठाना होता। तो ये है जी हमारा रूम आज रात के लिए बीर में, बंकर हॉस्टल में। सिंपल सा रूम है, बेड, टीवी भी लगी हुई है, ठीक है जी, डिसेंट सा क्लीन वॉशरूम। बाहर विंडो से व्यू देखते हैं, तो विंडो से कुछ इस तरह का व्यू है, बालकनी का व्यू देखते हैं। ठीक है जी, बालकनी में चेयर्स भी रखी है और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। ये नीचे सारा एक्टिविटी एरिया, लॉन दिख रहा है, सनसेट हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कंपटीशन होगी, हो रहा है। ओह यस, ओ देखिए जोरावर ने मुझे दिखाया, वो देखो डैडा ऊपर कंपटीशन हो रहा है, कितने सारे पैराग्लाइडर्स एक साथ ग्लाइड कर रहे हैं ना, वाओ। यस, अपने रूम पे व्यू मिल गया यार, डर जरा नीचे वाला सब तो आ गया, मुझे लगता है कि वही जीतेगा, वही जीतेगा। ये वाला, ये वाला सब तो नीचे है। ठीक है जी, ये अच्छे लगे थे डैडा, मैंने ना व्यू
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਪਰ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਰੂਮ ਕੀ ਬੈਲਕਨੀ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਕੀ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕੀ। तो बीर में आज रात के लिए हमारा ये होटल का हॉस्टल है, द बंकर हॉस्टल। आपको मैंने रूम टूर करवा दिया है। हमारा जो रूम है ये बड़े सिंपल सा कोजी सा रूम है, सारी बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर है। टीवी है, प्रॉपर बेड है, वॉशरूम क्लीन है, हॉट वाटर है। तो सिंपल सा रूम है विद बेसिक एमिनिटीज। और जो टैरिफ है हमारे रूम का वो है जी 2100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ड्राइवर, अब वॉल तो तुझे देखा की है ना, और यहाँ से भी बालकनी है और बालकनी से व्यू। यहाँ रहा जी हमारा रूम, और हमारे रूम का नाम है वुड्स। कितने है? छुप गया। हेलीकॉप्टर से? पैराग्लाइडर से बोल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो इस वक्त बज रहे रात के 9, चल के डिनर खाते हैं अपना, क्योंकि 9:30 बजे इन्होंने कहा था कि लास्ट ऑर्डर लेते हैं, तो चलो चलते हैं। देखो ये कितनी स्पूकी आवाज आएगी। मैंने ओह यस दादा। हाँ देखो ये दादा कैंपिंग सीट। हाँ जी कैंपिंग सीट है। हाँ जी चलिए फिर करके हैं डिनर। चलो चलो जरा लेट्स गो। ओके दादा। या वो नीचे इनका रेस्टोरेंट है, ये चल के करते हैं डिनर। यहाँ देखिए सारे टेक्स्ट बुक्स के ना पेजेस लगाए हुए हैं। इत्थे बैठ के खाना, इत्थे भी बैठ के तुसी एंजॉय कर सकते अपना फूड। इतना चौकरी मार के बैठ के अलग अलग टाइप की सेटिंग बनाई है इन्होंने। इस वेले ठंड बद गई है ना, नहीं इन्होंने देख लो लहंगे वलूंगे लेके बैठे है बाकी दे गेस्ट। वेरी नाइस। पालमपुर इतनी ठंड नहीं थी जी। पालमपुर तो बिल्कुल लग रहा है चंडीगढ़ ही बैठे। हाँ यस, वेयर वुड यू लाइक टू सिट? पैर सीट। पैर सीट। हाँ जी, थोड़ा ए सीट पसंद आई है? हाँ जी डेडा। जरूर कहना यहाँ बैठते डेडा, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अगर आप एकदम अपने शूज़ चप्पल उतार के बैठना चाहते हो तो रिलैक्स बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ टेबल लगे हैं। रोटी आ गई। खेलो खेलो हाँ जी बुक रीड कर लो अंदर। मोनोपोली ले गया है? हाँ जी डेडा। ठीक है जी। मैं मोनोपोली खेल रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने मेरे जो पैसे भी मिले हैं। आप सेटिंग कर रखी हैं? हाँ जी जोरावर। ये कर लिया है? रूम में जाने से थोड़ा टाइम पास हो रहा है जोरावर से। जाके करेंगे आराम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम बीर। बाकी 8 बज रहे हैं, रेडी हो गए हैं, मॉर्निंग इंजॉय कर रहे हैं बीर की विद फ्रेश एयर और ब्यूटीफुल व्यू, ग्रीनरी चारों तरफ। और सुबह जब मैंने खिड़की खोली ना और मैंने देखा, सुबह 7 बजे मैं उठा था, 7 बजे भी पैराग्लाइडिंग हो रही थी ऊपर से, क्योंकि ऊपर बिलिंग है ना वो टेक ऑफ पॉइंट है और बीर जो है वो लैंडिंग पॉइंट है पैराग्लाइडिंग के लिए। पीछे है टेक ऑफ पॉइंट, तो वहाँ से दिखते रहते हैं जब पैराग्लाइडर्स जंप करते हैं, फ्लाई करते हैं। वो देखिए मैं बात कर रहा था ना,
पैराग्लाइडर सुबह सुबह से स्टार्ट है पैराग्लाइडिंग, वो देखिए ऊपर। ये देखिए पहाड़ों में कैसे लोग स्टेप फार्मिंग करते हैं। अभी ये किसी का घर है और ये उतनी जगह होगी, इतनी जगह में उन्होंने देखो फार्मिंग की हुई है और ऊपर भी लगी हुई है। तो जैसी जैसी जगह मिलती है उस जगह में करते हैं। तो हाँ, पहाड़ों में लाइफ तो टफ होती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं जिसे ये फेस करते हैं। लो जी कॉफ़ी। वाह जी वाह, कॉफ़ी तो जी पीते हैं सुबह सुबह की कॉफ़ी ब्यूटीफुल व्यू के साथ। नाइस कॉफ़ी। सवेर दे चल रही है पैराग्लाइडिंग, जदम उठिया ना 7 बजे दी चलदी, मैं देख रहा पता नहीं उस तो किन्नी देर पहले दी चल रही होनी, क्योंकि जद दिन जिवें दिन चढ़ गया, जिवें दिन चढ़ गया होना वो शुरू हो गया, शुरू हो जांदे। और कल दिन ढलन तक भी लगे हुए सी। हां जी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा सी इत्थे, पर वो लगे सी। हां जी, कल शाम में ना 6:30-7 बजे जाके पूरा अंधेरा हुआ, तब तक पैराग्लाइडिंग हो रही थी। सुबह जब से दिन चढ़ा है तब से पैराग्लाइडिंग हो रही है। देख लो कितनी ज्यादा यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए लोग आते हैं। गुड मॉर्निंग सुरवर सिंह। गुड मॉर्निंग डैडा। रेडी? हाँ जी। तो कितों मिले तुम डैडा? वॉशरूम वाली साइड है ना, देखो जाना नहीं अगे बाकी इस जगह की जो फील और वाइब ना ये हमें अच्छी लगी थी, इसलिए हमने सोचा था चलो हॉस्टल में रह के देखते हैं। ये सेटिंग वेटिंग ज़रा इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, फंकी सी है, रूम्स भी क्लीन है, नो डाउट। अच्छा चलो फिर चलते हैं।